Prime Minister Narendra Modi on Thursday was felicitated by BJP leader during his public rally in Srinagar, Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir will be voting for its 90-member assembly in three phases. The first phase of voting was held on September 18. The other two rounds will be held on September 25 and October 1. Counting takes place on October 8. Addressing a rally, Prime Minister Narendra Modi expressed joy in seeing many people coming in large numbers and said that it is the enthusiasm of the youth, the message of peace in the eyes of the elders and such a large number of mothers and sisters. It is the new Kashmir. The aim of all of us is the rapid development of Jammu and Kashmir. आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, नौजवानों का ये जुस्सा, बुजुर्गों के आंखों में शांति का संदेश और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें, ये नया कश्मीर है। हम सब का मकसद जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की है। जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की का जज्बा और बुलंद करने का पैगाम के साथ मैं आज आपके बीच आया हूं। मैं देख रहा हूं आज मेरे कश्मीर के भाई बहन खुशामदीद पीएम कह रहे हैं। मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्यौहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशत गर्दी के साये के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने खुले मन से वोटिंग की। किश्तवाड़ में 80% से ज्यादा वोटिंग, डोडा में 71% से ज्यादा वोटिंग, रामबन में 70% से ज्यादा वोटिंग, कुलगांव में 62% से ज्यादा वोटिंग, अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये नया इतिहास